हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सुनीता किचन में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। भटूरा बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, खाने वाला सोडा है दोस्तों, और ये इनो लिया है इसे डाल देंगे। इनो दोस्तों 3 चम्मच डाल दिया, आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लिया, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूंथ लेंगे। भटूरा बनाना दोस्तों बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं है, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। ये सामान दोस्तों सबके घर में होता है, इसलिए मैं सोची कि ये रेसिपी ज़रूर बना दें। एक चम्मच इनो और लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अब इसे मिला देंगे। ये दोस्तों ऑरेंज फ्लेवर है, आप कोई भी फ्लेवर का ये इनो ले सकते हैं। हाथों थोड़ा सा तेल लेंगे और ऐसे चारों तरफ लगा देंगे, इसे ऐसे ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल को हम गर्म होने देते हैं। ये 7 मिनट हो चुका, तो इसे हम थोड़ा से ऐसे हाथों से मसल लेंगे, ज़्यादा नहीं मसलेंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा ही मसलेंगे। देखिए दोस्तों एकदम सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा परथन ले लेंगे, ये कितनी बड़ी लोई लेंगे, और भटूरे को ऐसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, इसे इतना ही मोटा बेलना है। ऐसे दोस्तों तेल गर्म हो गया तो हम ऐसे भटूरे को डाल देंगे, ऐसे तेल में डीप करेंगे, ये भटूरा अच्छे से फूल जाएगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छे से फूल गया, इसे हम पलट देंगे। और दोस्तों अगर मैं छोले भटूरे का दोनों का रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में छोले का रेसिपी डाल दूंगी, आप जाके मेरे चैनल पे दे सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, देखिए कितना अच्छा फूला है। और भटूरा बनाते समय दोस्तों तेल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी जाके अच्छे से भटूरा फूलेगा। इसे भी हम पलट लेंगे, इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कितना फूला फूला भटूरा बनकर तैयार हुआ, तो हम तोड़ के दिखाते हैं दोस्तों। देखिए कितना नरम, और देखिए दोस्तों कितना जालीदार भटूरा बनकर तैयार हुआ। ऐसे भटूरा ज़रूर बनाएं दोस्तों, कम सामान में और अच्छा भटूरा बनकर तैयार होगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अपने नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।